वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लोग बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं और इस पे ध्यान देने से काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन को कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए। ऑप्शन की पोजीशन बनाने में आपको कैपिटल ज़रा सी लगेगी, लेकिन ऑप्शन में आपको जो जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट रहेगा। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा सेफ है, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है और उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो जब लोग इक्विटी में काम करते हैं तो बहुत आसान होता है कैश में कि ये शेयर खरीद लो, ये शेयर बेच दो। जब फ्यूचर में जाते हैं फिर भी आसान होता है कि चलो ठीक है, DLF का दिसंबर का, जनवरी का, नहीं तो फरवरी का फ्यूचर लेना है। लेकिन जब ऑप्शन में जाते हैं तो चीज़ें काफ़ी टिपिकल लगने लगती है, क्योंकि कई सारी स्ट्राइक प्राइस है, एक ऑप्शन नहीं है। DLF के जब आप ऑप्शन देखने जाते हैं तो ऊपर 10 स्ट्राइक प्राइस है, नीचे 10 स्ट्राइक प्राइस है। तो लोगों के लिए उन सारी चीज़ों को देखना और फिर उसमें से डिसीजन लेना और महीने में अलग अलग तरीके का बदलता हुआ ऑप्शन का बिहेवियर, वो काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। तो आज हम लोग देखेंगे NSE इंडिया में कि कैसे हम लोग डिटेल ऑप्शन को स्टडी कर सकते हैं, खासतौर पे स्टॉक ऑप्शन को, क्योंकि इक्विटी डेरिवेटिव जब आप क्लिक करते हैं तो निफ्टी के ऑप्शन और निफ्टी तो सामने आ जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होती है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन को लेके लोगों को काफ़ी तकलीफें महसूस होती है। तो हम लोग बात करते हैं, NSE इंडिया के होम पेज पे आप आए और यहाँ नीचे गए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चार्ट है और यहाँ पे गेनर और लूज़र दिख रहे हैं। तो यहाँ गेनर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, SSLT, ACC, ज़िलपिंग, बड़ौदा है, इधर आपका गेल, डॉक्टर रेड्डी, HDFC, NTPC है। तो मैंने सपोज़ यहाँ पे गेल को क्लिक कर लिया, आपके एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉक को क्लिक किया, गेल का पूरा डिटेल सामने आ गया। देखिए इधर इसका प्राइस 431.5 है, ये इक्विटी का प्राइस है। अगर आपको इसका डेरिवेटिव कोट लेना है, एक फ्यूचर्स का प्राइस या ऑप्शन का प्राइस लेना है पर्टिकुलर, तो आप यहाँ गेट डेरिवेटिव कोट में जाएंगे, क्लिक किया तो इसका डेरिवेटिव कोट में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। अगर मैं फ्यूचर लेना चाह रहा हूँ तो फ्यूचर, यहाँ पे गेल लिखा है 29 जनवरी का और डाटा सामने दिया हुआ है। अगर मुझे फरवरी का फ्यूचर चाहिए तो फरवरी सेलेक्ट करके गेट डाटा लिया, ये फ्यूचर आ गया। अब मुझे ऑप्शन चाहिए उसका, तो ऑप्शन क्लिक किया, फिर ऑप्शन में आपने एक्सपायरी हुई 29 जनवरी, ऑप्शन टाइप कॉल है, कॉल कौन सा चाहिए आपको, 440 का कॉल चाहिए, 440 का कॉल क्लिक किया, 440 के कॉल की डिटेल यहाँ पे आ गई। उस डिटेल में क्या क्या है, ट्रेडेड वॉल्यूम 52, ट्रेडेड वैल्यू इतनी है, वॉल्यूम वाइज वेटेड एवरेज प्राइस है 16.89, ये 15 पे चल रहा है और अभी इस VWAP के नीचे है, एक कमज़ोरी की बात मानी जाएगी। ये कॉल आपका 21.75 पे ओपन हुआ था, 21.75 ही इसका हाई था, लो बना 14.9 और क्लोज हुआ 15.7 के आसपास। तो अगर किसी ने इस कॉल को शॉर्ट किया था तो उसको अच्छे से पैसा मिला है। मार्केट लॉट 500 का है, ओपन इंटरेस्ट 23,000, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 13,000 और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 130% और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसकी 32 के आसपास है, 31.97। बाय क्वांटिटी है 66,500 और सेल क्वांटिटी है 7,500। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर लॉट साइज देखना है और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखना है तो गेट डेरिवेटिव कोट में जाएंगे, और जब आपको सारे ही ऑप्शन का डिटेल देखना है तो ऑप्शन चेन क्लिक करेंगे। अगर किसी शेयर की डिटेल देख रहे थे वहाँ से भी और फ्यूचर की डिटेल देख रहे हैं वहाँ से भी, तो ऑप्शन की डिटेल से भी यहाँ ऑप्शन चेन लिखा है, क्लिक किया, ऑप्शन चेन सामने आ गया। इस ऑप्शन चेन में क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लीजिए आप, कि यहाँ पे चार्ट है, ओपन इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दे रखी है बीच के कॉलम में, लेफ्ट साइड में कॉल्स है, राइट साइड में पुट्स है। अब मैं इसमें किस कॉल और किस पुट को फोकस करूँ, यहाँ पे लिखा है 431.5 पे करंट प्राइस चल रही है गेल की, तो मुझे ये 430 का पुट और 440 का कॉल में फोकस कर सकता हूँ, क्योंकि वो नियरेस्ट है, मोस्ट एक्टिव हो सकते हैं। इसके साथ में मेरी नज़र सीधी जानी चाहिए ये IV वाले कॉलम पे, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 25-30 के आसपास है तो बहुत बुरी है, लेकिन अगर यही IV बढ़ के 52, 55, 57, 71 ऐसी कुछ हो जाए
तो बेटर होगी। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें, इसको पढ़ना कैसे। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं 310, 330, 340, 350, 360, 370, 380, ऐसे 10-10 की गैप से। और ये आप देखें 430 के आसपास अगर प्राइस चल रहा है, तो 431 के नीचे के जितने भी हैं, ये लाइट शेडेड येलो कलर दिख रहा है आपको, ये सारे इन द मनी कॉल्स हैं। इन द मनी क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि अभी प्राइस इन सबको क्रॉस करके इनसे बाहर आ गई है, तो ये सब इन द मनी हो गए। और पुट में बात करूं कि प्राइस यहां से क्रॉस करके 565, 55, 45, 35, 25, 10, 500, 470, 460, 450, 440 को क्रॉस करके 430 पे चली गई है, तो ये सारे पुट इन द मनी हो गए। और ये इन द मनी है, ये एट द मनी है। 431.5 पे अगर प्राइस है और यही स्ट्राइक प्राइस होती, या 440 पे प्राइस होती और 440 का स्ट्राइक प्राइस होता, तो हम इसको बोलते हैं एट द मनी, जिसमें मैं आपको पिछले दिनों में काफी काम करा रहा था एट द मनी में, क्योंकि उसका टाइम डिके सबसे कम होता है और उसमें वैल्यू मूवमेंट भी सबसे अच्छा होता है। और ये आउट ऑफ मनी कॉल्स है, व्हाइट में दिख रहे हैं, ये आउट ऑफ मनी पुट है जो व्हाइट में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है आपको ये बिट प्राइस, ये आस्क प्राइस, ये बिट क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी, मतलब लोग इस तरह का प्राइस लगा के बैठे हैं बाइंग सेलिंग के लिए, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो उनमें काम नहीं करना। और ये चूंकि आखिरी एक्सपायरी के टाइम में हम चीज़ें देख रहे हैं, तो गैप तो यहाँ पे दिख ही रहा है, लेकिन जब पहले दिन से थर्सडे की एक्सपायरी ख़त्म हुई, तो नेक्स्ट फ्राइडे से पूरे महीने के लिए फिर आपको यहाँ पे गैप्स काफ़ी कम मिलेगी, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ से आप चीज़ें देखते चले जाएंगे, तो ये OI मतलब ओपन इंटरेस्ट है ना। और ये यहाँ से हम अगर इस चार्ट को क्लिक करते हैं, तो देखें क्या खुलता है। आपने चार्ट क्लिक किया, कॉन्ट्रैक्ट ये है, अंडरलाइंग ये है, और ये चार्ट खुला आपका। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का, हर एक चीज का आपको यहाँ पे चार्ट नजर आता है। क्लिक करते जाए आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो अंडरलाइन का चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है बराबर, कि अंडरलाइन कैसे कैसे चल रही है, और ऑप्शन उसी पे डिपेंड करता है। टाइम वाइज यहाँ पे देखते चले जाएंगे कि कैसे कैसे ये रेंज बाउंड हुआ और कैसे एकदम से मूवमेंट आया। ये देखिए यहाँ 2:30 बजे से मूवमेंट शुरू हुआ, 3 बजे तक ये इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, उसके पहले पूरे दिन बाजार रेंज बाउंड था। तो आप ये तरीका रहेगा आपको ऑप्शन की पूरी टेबल को पढ़ने का और उसको समझने का। तो आपको खास किस चीज़ पर ध्यान देना है, एम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे, और उसके साथ आपको देखना है बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी देख सकते हैं। लॉट साइज तो आपको पता लग ही जाएगा, लॉट साइज पता करने का एक और तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ। आस्क क्वांटिटी में या बिट क्वांटिटी में जब आप देखते हैं 1000 1000 1000 मिनिमम क्या है इसमें 500 है, तो अगर आपको टाइम नहीं हो तो ये 500 आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही इसका जो मिनिमम क्वांटिटी दिख रहा है, यही इसका लॉट साइज होगा। और जब आप ऑर्डर उसको लिस्ट करके ऑर्डर प्रेस करेंगे F1 या F2, तो उसमें तो डिफॉल्ट लॉट साइज दिखने भी वाला है आपको। बस आपको शुरू के कैलकुलेशन के लिए लॉट साइज का पता होना जरूरी होता है, जब आप डिसीजन लेने वाले हैं कि भाई कितना पैसा लगेगा, मेरे अकाउंट में उतना पैसा है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मार्जिन नहीं चलता, ऑप्शन में आपको पूरा पैसा लगता है। अगर 15,000 रुपये का ऑप्शन का प्रीमियम है टोटल, तो 15,000 रुपये पूरे आपके अकाउंट में होना जरूरी है। 50-100 रुपया कम ज़्यादा होने से भी काम नहीं चलता। इक्विटी में तो आप इंट्राडे के लिए 25,000 हो तो 1,00,000 का माल खरीद सकते हैं, फ्यूचर में आप 25% की मार्जिन पे 100% माल खरीद सकते हैं, मतलब 70,000 दे के 2.5-3 लाख का फ्यूचर खरीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते। अब हम अगले लेक्चर में आपको ये बताएंगे कि अलग अलग लॉट साइज हमको कहाँ से पता लगती है, एम्प्लाइड वोलेटिलिटी कहाँ से पता लगेगी, और साथ में आपको पता लगेगा कौन सा फ्यूचर या ऑप्शन बेन पीरियड में, क्योंकि बेन पीरियड में जो ऑप्शन है या जो फ्यूचर है उसको ट्रेड करके अगर आपने रख लिया तो आपको पेनल्टी चार्ज होगी। अगर ब्रोकर ने आपको खरीद के दे दिया है तो ब्रोकर पेनल्टी पे करेगा या आप पेनल्टी पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आगे और बात करेंगे। ऑप्शन से घबराइए मत, ये टाइम लेगा, ये आपकी आँखें दुखती है शुरू शुरू में, दिमाग ख़राब होता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखने में, लेकिन धीरे धीरे आप इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आपको लगातार इनको देखते रहना पड़ेगा ताकि आप फेमिलियर हो सकें। थैंक यू।